वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि इस वीडियो में होने क्या वाला है। तो मैं आज शेयर करने वाली हूँ सोप्सी का चीपेस्ट मेकअप। तो इससे मैं एक लुक ट्राई करूँगी और देखेंगे कि ये लुक अच्छा होता है या नहीं। इससे जो भी इसमें प्रोडक्ट निकलेंगे उसी से मैं मेकअप करने वाली हूँ और मैं आपको अपना रिव्यू मतलब अपना ओपिनियन बताऊंगी कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं, आपको बाय करने चाहिए या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इस बॉक्स में मुझे क्या क्या रिसीव हुआ है। तो ओपन करते हैं और मुझे इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं और स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगी कि ये मुझे कितने प्राइस पर मिला है। तो इसमें फर्स्ट यहाँ पर दो ब्यूटी ब्लेंडर मुझे मिले हैं जो कि क्वालिटी इस टाइप से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सॉफ्ट है, तो इसको रखते हैं साइड में। सेकेंड मुझे यहाँ पे मेकअप फिक्सर मिला हुआ है। तो सेकंड मुझे ये फाउंडेशन मिला है फिटमी का, जो कि रियल ब्रांड एक भी नहीं है, आप ये सुन लो, क्योंकि ये बहुत ही चीपेस्ट है, कोई रियल ब्रांड मत समझ लेना, ये फेक है। तो ये फिटमी का फाउंडेशन मिला है और इन वन हाइलाइटर और कॉन्टोर का सेट मुझे मिला है। एंड लास्ट यहाँ पर मुझे मिला है ये प्राइमर, और ये हुडा ब्यूटी का प्राइमर है जो कि फेक है। तो इस बॉक्स में मुझे इतने कुछ प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं, 7 प्रोडक्ट। ओके, तो आपको दिखा देती हूँ उठा के पूरा। तो यहाँ पे मुझे इतने प्रोडक्ट मिले और इसमें मुझे कोई काजल वगैरह रिसीव नहीं हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, बहुत ही चीप प्राइस पे मुझे मिला है ये, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे काजल के लिए यहाँ 10 रुपीज़ का काजल लिया हुआ है जो कि ADS का है काजल, और ये मुझे शॉपी भी मिला हुआ था बहुत ही चीप प्राइस पे, ये मुझे 10 रुपीज़ का मिला था, तो मैंने वहाँ से इसको बाई किया हुआ है। तो ये आई लाइनर जो कि मुझे सिर्फ 40 रुपीज़ का मिला है, तो मैंने इसको भी ले लिया। ये सिनोए करके कुछ कंपनी है जो कि मुझे नहीं पता ये भी कोई कंपनी होता है, और ये जस्ट मुझे 40 रुपीज़ का मिला है। ब्लू हेवन का मस्कारा है जो कि ये भी फेक है, और ये मुझे 20 रुपीज़ का ही मिला है मुझे लोकल मार्केट से, और ये फिनिश भी हो चुका है क्योंकि मैं इसको बहुत यूज़ की हूँ। लिपस्टिक लिए हुए हैं, तो आप सोचोगे ये लिक्विड लिपस्टिक आपको इतना चिप तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन मुझे ये भी चिप प्राइस पर मिला हुआ है। मैंने इसको मीशो से बाई किया हुआ था पूरा कॉम्बो का सेट, आपको स्क्रीन शॉट दिखा दूँगी अगर होगा मेरे पास। तो वो मैंने 210 रुपये का पूरा कॉम्बो 12 का बाई किया हुआ था, तो उसमें से मैंने ये लिपस्टिक लिया हुआ है जो कि दो लिया, इसमें से कोई एक अप्लाई करूँगी, तो लगभग मुझे ये 19 रुपये का एक लिपस्टिक पड़ा, इसलिए मैं एक लिपस्टिक भी लेकर आई क्योंकि इसमें कोई भी लिपस्टिक नहीं थी। तो ये भी काफ़ी चीप प्राइस पर है, 19 रुपये की या लिक्विड लिपस्टिक तो मिलने वाली नहीं है, और मुझे तो मिल गई। अगर आपको भी लेना है तो कोड मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर चेक कर लेना अगर आपको लेना है। तो ये अपने लुक को मैं कितनी बार बोलूँ, लुक को कंप्लीट करने के लिए लाई, इसके लिए सारे प्रोडक्ट हैं, तो मैं आईज के लिए भी ले आई अलग से। तो ये मुझे मैंने शॉपी से बाई किया हुआ था जो कि मुझे दो कॉम्बो में मिले थे। एक ये सेट 01 है, वो सेट 02 आप लोगों ने देखा होगा, वो कलरफुल है जो कि मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियो में उसको यूज़ किया हुआ है। तो मुझे 122 रुपये में दोनों मिल गया, तो ये एक लगभग 61 रुपये का एक पड़ा, 61 रुपीज़ का, तो ये भी काफ़ी चीप है यार, 61 रुपये में क्या ही मिलने वाला है। ओके, तो मैंने अपना स्किन केयर कर लिया हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं प्राइमर से। तो मेरे पास यहाँ पे हुडा ब्यूटी का प्राइमर है जो कि रियल नहीं है, मैं बार बार बता दे रही हूँ, रियल बिल्कुल नहीं है। ओके, तो इसको निकालते हैं, तो आप देख लो इसका टेक्स्चर। ओके, तो ये पूरा लिक्विड है, ये वाटर की तरह ही है, मैं आपको बता देती हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, प्राइमर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। ये देखो तो वाटर है यार, एकदम वाटर अप्लाई करते अच्छे फेस पे, लग रहा है मैं पानी अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे यार, बिल्कुल भी प्राइमर नहीं लग रहा है। और निकाल के और लगाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है क्योंकि ये एकदम बकवास है। तो हैंड अपना पोंछ लेते हैं थोड़ा अच्छे से, अप्लाई कर लिया हुआ है, ये एकदम पानी की तरह है, तो इसको मैं 10 में से 0 दूंगी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो सेकंड में अप्लाई करूंगी यहाँ पे ये फिटमी का फाउंडेशन, लोगों ने देखा है कैसे निकल रहा है, इसका टेक्सचर जैसे कोई क्रीम वगैरह होता है लाइक उस टाइप है, तो मैंने बहुत ज़्यादा ही ले लिया यार। तो अप्लाई करते हैं, तो इसमें कोई स्मेल नहीं है, तो अच्छी बात है कि अगर इतना लोकल क्वालिटी का है तो कोई स्मेल अच्छा किया नहीं डाला, पता लगा बहुत ही बकवास स्मेल डाल देता, तो अप्लाई मैं कर रही हूँ वो भी नहीं कर पाती। तो अप्लाई करते हैं, ये फाउंडेशन की तरह नहीं है बिल्कुल भी, आप देखो हाथ पे क्रीम की तरह है ना बिल्कुल,
ब्लेंड करने के लिए मैं हैंड से भी इसको ब्लेंड कर सकती हूँ क्योंकि एकदम क्रीम की तरह है, बट मुझे इसके ब्यूटी ब्लेंडर को भी टेस्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे दो है, तो एक को मैं स्पंज को मैं यहाँ पे वाटर में डिप करके आपको सामने ही दिखाऊंगी कि ये कैसा होता है। ओके, तो आप मेरे फेस पे इतनी खुशी देख सकते हैं, ये किस लिए है तो ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये साइज देखो, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये इतना बड़ा हो गया यार। ये देखो कितना बड़ा हो गया, इसके जस्ट दोगुने साइज का हो गया और उससे भी मुझे बड़ा ही लग रहा है। ओके, तो थोड़ी बहुत कवरेज दे रही है, आप देख लो खुद, क्योंकि ये क्रीम की तरह है तो ये ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से नहीं ब्लेंड हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई कंसीलर वगैरह नहीं लिया हुआ है। तो कंसीलर की तरह मैं इसको थोड़ा अप्लाई कर लेती हूँ अपने आईज वगैरह पे। पूरा क्रीम की तरह ही है तो इसीलिए स्पंज पे ही ये चिपक जा रहा है, तो मैं अपने हैंड से ही ब्लेंड कर लूँगी। तो ये हल्का सा मतलब बहुत ही हल्का हल्का सा मुझे ये थोड़ा कवरेज दिख रहा है, आप लोगों ने देखा होगा अभी। तो ये अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया हुआ है, तो मैं इस फाउंडेशन को 10 में से 3 दूंगी, 4 दूंगी। ओके, इस ब्यूटी ब्लेंडर को भी रेटिंग नहीं दे सकती कि ये किस तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि ये फाउंडेशन की तरह है नहीं, तो इसलिए अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पा रहा है। तो इसको मैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में मतलब अप्लाई करके दिखा दूंगी। ओके, तो मैं अपने हैंड पे आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत ही रेडिश टाइप कंसीलर है, कॉन्टोर है, और यहाँ पे एक हाईलाइटर स्टिक है। तो इसको अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, उसके बाद पता चलेगा कि ये कैसा है। ये मैंने क्या कर दिया यार, इसको ऐसे बाहर ही निकाले, इसको ठूस रही हूँ ढक्कन में। ये कॉन्टोर अप्लाई कर लेती हूँ पहले, क्योंकि ये क्रीम कॉन्टोर है तो इसको पहले ही अप्लाई कर लेती हूँ। तो मैं बस थोड़ा थोड़ा अप्लाई करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही अलग तरीके से है और मुझे कॉन्टोर करना भी नहीं आता है। ये देखो क्या कॉन्टोर किया मैंने, नोज पे हल्का हल्का सा अप्लाई कर लेती हूँ मैं नोज पे, तो इसका पिगमेंटेशन काफ़ी सही है। तो ब्लेंड कर लेते हैं पहले, थोड़ा कंसीलर की तरह भी यूज़ करूँगी क्योंकि ये थोड़ा वाइटिश है, तो उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा जो शाइनी होता है ना वो बहुत थोड़े कम है, तो इसको आइज़ के नीचे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं उसको 8 पॉइंट दूंगी। उससे पहले मैं अपने बेस को सेट कर लेती हूँ, मेरे पास कोई भी बेस सेट करने के लिए उस कॉम्बो में कुछ नहीं मिला मुझे, तो मैं और बेस सेट करने के लिए मुझे कोई मैं कोई पाउडर वाउडर नहीं लेकर आई, तो मैं इतना गुस्सा आ रहा है ना, यहाँ से मैं ये वाइट वाला पाउडर ले रही हूँ अपने बेस को सेट करने के लिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे पाउडर अप्लाई कर लिया हुआ है और मेरा पैलेट टूट गया, तो इसके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है यार। अभी ये न्यू पैलेट था और मैंने इसको अच्छे से अपने किसी वीडियो में यूज़ भी नहीं किया और ये टूट भी गया। ये हाइलाइटर सेट भी दिया हुआ है, तो मैं इसको भी अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। ओके, तो मैंने एक लाइन बना दिया, तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। ओके, तो इसमें ये जो हाइलाइटर की तरह दिया मतलब हाइलाइटर सेट दिया हुआ है, आप इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो हाइलाइटर की तरह, क्योंकि बिल्कुल भी इसमें चमकी पार्टिकल्स नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड भी हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने पे। ओके, तो मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे मेकअप फिक्सर, जो कि मुझे ये कॉम्बो में मिला था, ये भी मुझे 20 रुपीज़ का पड़ा, तो उसको अच्छे से इस चेक कर लेते हैं और इसके बाद अप्लाई करूँगी। बहुत ही अच्छा स्मेल है इसका और मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसमें जो इसका स्प्रे है वो बहुत ही फाइन निकल रहा है, मतलब इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, और मैं इसको रेट दूंगी 10 में से 9। ओके, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला। डॉट डॉट करके मैं थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर ले रही हूँ और इसको इसी सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ब्लेंड कर लूँगी,
ना अब आई मेकअप कर लेते हैं फटाफट से, बहुत ही नॉर्मल सा आई मेकअप करने वाली हूँ मैं। तो यहाँ से मैं ये ब्राउन शेड लूँगी और ये पैलेट बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है और थोड़ा पाउडरी भी है, लेकिन पिगमेंटेड तो बहुत ज़्यादा है, मैंने बहुत कम लिया। आपको दिखाती हूँ, ये देखो बहुत थोड़ा थोड़ा लेके अप्लाई करती हूँ क्योंकि ये इतना पिगमेंटेड है कि एक ही बार मैं पूरा कलर लूँगी तो बहुत ही बन जाऊँगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेके अप्लाई करती हूँ। और आप भी थोड़ा थोड़ा ही लेकर अप्लाई करो अपने आईज वगैरह पे। मैं थोड़ा ये डार्क शेड ले रही हूँ जो बगल में है इसके, इसको मैं अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई करूँगी। मैं ये थोड़ा गोल्डन कलर है जो कि थोड़ा अलग ही गोल्डन है, इसको क्या कलर बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप देख लो, इसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ अपने आईज पे। तो मैं यहाँ पे मैं बीच आधे आईज पे अप्लाई करूँगी और इसको फिंगर से अप्लाई करना बहुत ईजी है क्योंकि ये थोड़ा बहुत ही बटर की तरह चलते हैं यार, मतलब बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं है इनमें, इनके सीमर बहुत ही अच्छे हैं, मतलब जहाँ प्रेस कर दूँ वहीं पे पड़े रहेंगे, हटने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा गोल्डन शेड दिया हुआ है तो इसको मैं अप्लाई करूँगी, थोड़ा हाईलाइट हो जाए इसको, यहाँ पे जहाँ पे एंड हुआ है उसका वहीं थोड़ा सा अप्लाई करूँगी बस बीच में, और उसी ब्लेंड के हेल्प से इसको थोड़ा अच्छे से स्मच कर लेंगे इसी ब्राउन कलर से। ओके, तो मेरा आई मेकअप डन, इससे ज़्यादा मैं कुछ करने नहीं वाली हूँ अपने आईज पे। तो एक इस तरीके से ब्रश जो है इसका नेम नहीं मुझे पता, इसको मैं लेके इस ब्राउन वाले शेड को जो कि ब्लैक और ब्राउन का मिक्सचर है इसको लेके मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी। सोचो ये इतना चीपेस्ट प्राइस पे ये मुझे मिला और इससे मैं कितने तरह से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ आप देख लो। और मेरे आईब्रोज का शेप जो है वो थोड़ा अलग है क्योंकि मैंने अभी अपने आईब्रो को एक बार भी नहीं सेट कराया हुआ है, इसलिए इस तरीके से दिख रहे हैं। और मैंने कोई मिरर नहीं लिया हुआ इसलिए मुझे और भी दिक्कत हो रहा है। ओके, तो ये मुझे काफ़ी सही लग रहा है, अब इससे ज़्यादा नहीं मैं फील करूँगी। ओके, और इसी सेम ब्राउन कलर को मैं अपने जो मैंने कॉन्टोर किया था उसी के ऊपर मैं अप्लाई करूँगी क्योंकि इससे मैं कॉन्टोर भी करती हूँ अपने इसी शेड से, ब्राउन शेड से, और मुझे काफ़ी सही लग रहा है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी ये काजल जो कि ओनली 10 रुपीज़ का है। वाओ, काफ़ी इजीली अप्लाई हो रहा है और इसका टेक्सचर भी मुझे काफ़ी सही है यार, इसको मैं 10 out of 10 दूंगी क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अप्लाई करूँगी ये लाइनर जो कि मुझे 40 रुपीज़ का मिला है और ये मुझे मैंने इसको लोकल मार्केट से डर लगा के मिलती हूँ यार, मैंने कोई मिरर नहीं लिया हुआ है इसलिए मुझे ये लग नहीं रहा है, तो मैं इसी से लगा लेती हूँ। ओके, तो मैंने लाइनर लगा लिया हुआ है आप देख सकते हो, और मैंने अपने काजल को थोड़ा और डार्क किया हुआ है क्योंकि मैंने लाइनर बहुत ही मोटा लगा लिया क्योंकि मेरे पास कोई भी मिरर नहीं था तो मैं लाइनर नहीं लगा पा रही थी यार, फ़ोन में ऐसे घूर घूर के देख देख के लगाया मैंने। तो मैं इसी सेम कलर से और जो जो मैंने अपने आईज पे अप्लाई किया हुआ है वही कलर में लेके इसको स्मच कर लूँगी थोड़ा, जिससे और अच्छा लुक आ जाता है। सामने है तो आप देख सकते हो कैसा लुक आया है, अगर ये लुक आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मेरे पास ये जितने प्रोडक्ट हैं, ओके, ये जितने भी प्रोडक्ट हैं मेरे सारे 20 के अंदर ही हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने काजल जो है 10 रुपीज़ का लिया हुआ है, ये मुझे कॉम्बो में मिला है जो कि स्क्रीनशॉट आप देख लेना, मुझे 150 रुपीज़ का लगभग मिला हुआ है, 150 से कुछ ऊपर का ही था तो ये लगभग मुझे 20 रुपीज़ का पड़ा। और ये मुझे 19 रुपये का पड़ा लिपस्टिक, ये भी 20 का पड़ा, ये भी 20 का पड़ा, मेकअप फिक्सर भी 20 का पड़ा, ये मैंने लिया था मस्कारा जो कि मैंने अभी अप्लाई भी नहीं किया हुआ है, ये मुझे 20 का पड़ा, ये भी 20 का, ये भी 20 का, सारा 20 का, बस मेरे जो
मैंने जो अप्लाई किया हुआ इसमें से दो ही प्रोडक्ट है जो कि 20 के ऊपर है, ये मुझे 61 रुपीज़ का पड़ा और ये 40 रुपीज़ का पड़ा है। बस मुझे ये थोड़ा हाई पड़ा है, और मैंने अपना फुल लुक जो किया हुआ है वे 20 के ही सारे प्रोडक्ट है ना। और मेरे जो इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। ओके, तो अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, अब वीडियो को बहुत लंबी नहीं करूँगी, यहीं पे एंड करती हूँ। ओके, तो आप प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट को बाई कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने बहुत बार बोल दिया क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं इस प्राइस पे, तो आप ज़रूर बाई कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।